अभी कतर रे अरे अभी तोला काम मारे हरे काम नहीं तोला धुक धुक के मारे ये टाइम आप तोला धुक धुक के मारे अरे आप तोला धुक धुक के मारे हैं आप रे आप नहीं तोला पानी छिट छिट के मारे तोला पानी छिट छिट के मारे हैं आप रे आप नहीं तोला खोल के मारे हो रे आप मूर्था खोल के मारे हो रे आप ते जावे जावे कहा रे कोतवाली आप रोना रे छोड़ा छोड़ दे मार घिच 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 हंसता आप रोना रे नहीं बात चमोसी नहीं बात चमोसी मर गोट टूट गए थे आप रो नहीं बात चमोसी आप रो ना रे ये दाईवा ये तो ना ये आप काला झांक झांक के देखा था बोटरी तुम और कबूल देखे क्या रे करा मैं चार दिन से बेरी हो ले देख लिया मैं हाँ ये कुरिया मोर बेलाउज कहाँ है कि खोस अयो पहिर के आगे काले पहले सूरज से शर्म ने बेसराम ये दादा को तो आदमी काय तो मोर बनियाई का है बनिए तू जगह टंगा है भाई में तो खोटी में तो ये बाला आरो रहत रहे बुझे भाई महावे चक चका ये दादा लाज लगत रे कोतवाली काय हो गए वो तो मैं लाइन गोड इस का वो लाइन गोड नहीं रिस्वत तो दिमाग गोर रही से कोतवाली काय हो गए कुर्ता लाना रे कुर्थल लाना रे जिसने पाए तिसने मार चरत 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 मार ली कुर्थल लाना अल्लाह तक नहीं अल्लाह तक घरों खाओ सुन कुर्था अरे ऐसी काबा फिर था अरे फिर क्या ना रहे जल्दी फिर क्या ना हो मोसी देखा था कोतवाली काय ए पागे फिट कर जल्दी फिट कर भाई हमला लाज लगते जल्दी फिट कर ना वो तेरे कहां फादा हुआ ये डाला फिट कर छोड़ दे फिट कर दे कोतवाली काय हो ए दिन में फिट कर दरिया देख तो कुरियक पठेराम काय मारे है आ कुरियक पठेराम काय मार रहे दीदीराय ए देश समिति वाले भैया मन सुंदर खाने खाना बना रही खाना खाए के समय सब भूलाइस मरत होई भूख जी कटकटा है हो सकते लाए हुई मड़ई ले अंडा क्या बोला रे अंडा लाया होगा और क्या कितना अंडा खाएगा रे तेरा अंडा खाऊंगी तेरा अंडा बोलता तेरा कब्रत 12 नंबर खराब हो जाएगा रे क्या बता रे पोतो वाली अरे ऐसा कुछ ऊपर ठहर का मार है देखा क्या बता रे मोरे पर धरे साइकिल से धो धो एक कोतवाल ओए ये है फोटो है तो फोटो है तो काकर फोटो देख रहा हूं ए पार के सरपंच के भाई भूपेंद्र हरे हां ए पार के पार्वती टूरी रेखा बैठे थे पोटर रीता है ए पार के सरपंच के भाई भूपेंद्र ए पार के पार्वती टूरी रेखा है नो है कैसे हो सब गलत कैसे हो ए पार के रेखा है हां ए पार के मैं हूं नो तो ये चश्मा लगा है तो चश्मा लगा देखना हो नास एक कोतवाली काय आज मैं 10,000 का कैमरा लेके रायपुर में ये वीडियो शूटिंग करके एक कॉपी रखे हां तब ये शरीर रहेगी नहीं तू भाल कचारते मरते में हम पट ले तेरे के देते झट ले ए भौजी एक कण कुरचे बना देने आ एक कोतवाल काय हो काय की थे खुसरी है ए भौजी एक कण कुरचे बना देती है कि थे काय लगे रो कन्ना उखरी हुआ प्याव का टोटा काट ले प्या ने बुटर रहा का देखथस वो पानी का ना क्या ना हमार घर में आफत कर दी रे तो ते हाथ हवस का आफत कर यू हमार घर में छोड़ छोड़ हो रही हो तो ते हाथ जिया था सो अरे सेवा ज्यादा कर खड़ो लिए रे ते हाथ कर रहा है या रे
काय ए टुरी धर एला नहीं तरियम लेके बोर एला चलो धर ये दाई चलो धर ये दाई चलो धर ये दाई चलो धर चलो धर आई ये दाई हां आई ये दाई कहता हैं नहीं जानी कहा तो भाई ते सब के आखिर मुनबद मुनबे फिर ते मोरा के नहीं मुदर हैं करा चाह लेते भैया तो भाटे को तो अगर शक्कर चाहिए भैया एक कहते हैं बहार रहे एकादशी बमनी रहे तीजा का चाहिए इधर आगे संगी कांदा ऊपर भी जा करा बार ना बिहा और छठी बार बात और करा चाह लेते भैया तो भाटे कोतवाली काय एक टुनी नहीं बैठेगा हमारे घर अंदर झन जाए मैं सरपंच पटेल बड़ा रहा था तय लगे रहो कि नौकरी हुआ मैं नहीं लगा अरे पांच मिनट के लिए तो कोतवाली नो तेकर से तीज चले मैं ना सरपंच और पटेल घर में जावा जाओ ताले चल कोतवा तय घर ढा रे हम अनावा था नहीं ले तान के सुन जाई गली गली चिल्लाओ तो दौड़त आई मना हां ए बस्ती वाले सुनो सुनो तुम्हार गांव के सोसाइटी में 50 बोरा कोहड़ा आया है जेला लेबर हो ही जावा जाहू हो ओकर कीमत है 1 रुपया 20 पैसा किलो गरीब मन लो फोकट में दी हो आधार कार्ड का नंबर ला लू और एक अच्छा रंगीन फोटो तोरो नाम जोड़ावे भाजी तो अभी उम्र नहीं हुई 18 साल अरे कोतवाल का के यहाँ का पार थे अरे महीना के चावल हम बटा गए है और ये महीने तभी आए नहीं लेकिन हाँ का के पारा थे काली शान कान सरपंच घर बैठे रहे हूँ अब वो मोदर कुछ नहीं को ठीक से अभी हाँ का परवाह थे का के हाँ का परवाह सरपंच ना थे पता लगा सरपंच घर जाओ ए सरपंच साहेब जयराम का पटेल भैया जयराम भैया जयराम अरे वो कोतवाल कर का के हाँ का परवाह था कोतवाल कर मैं कहा हाँ का परवाह पटेल भैया हाँ मैं तो इसे कहा था पटेले भैया कहीं काम हो तो हाँ का परवाह तो क्या कहा था अरे मैं कहा के हाँ का परवाह हूँ देता तुम्हारे सोसाइटी में तुम्हारे कोटा में का आया मैं कहा जाने हूँ हाँ का कवाज सुने ना तो सरपंच का कहा का परवाह था इसी तो पता लगा मैं आया हूँ मतलब वो हाँ का बारे में आपोल मालूम नहीं, नहीं है ऐसे करथन पटेल भैया ये कोतवाल है चौक में वहाँ का पारी पारी तो ओला सुनथन का हाँ कहते समझ में आ जाए हाँ ये बस्ती वाले सुनो सुनो तुम्हारे गांव के सोसाइटी में पटेल बड़ा कोना आए जलाले बरवाही जब जब हाँ कसर नान जात तब सोसाइटी में कोमरा सुने थे इधर ही भेजे मालिक परसाली कोड़ा हाइब्रिड वाले परसाली कोड़ा हाइब्रिड वाले हैं ये सरपंच साहब हाँ वहाँ सोसाइटी में कोमरा आया कथे का सोसाइटी में कोमरा आया कि थे उधर हाँ का पार थे भाई अरे भाई सोसाइटी में चावल आते मिट्टी दे लाते शक्कर आते यहाँ तक के नमक भी आते और नून घलो आते वाह नमक और नून हाँ का है था अलग अलग है ऐसे है लेकिन एक कोमरा हम पहली बार सुना था भाई तो एक जानकारी में बोला था हम नहीं जानते थे ए पटेल दादा हाँ ते क्या किलो लेबे काला हाइब्रिड कोहड़ा हाँ अरे हमन बारी बकरी वाले बाबू हम अगर साफ सभी लिखा था मनी ले वहाँ ए सरपंच हाँ ते क्या किलो लेबे अब ते जान था सर कोतवाल हम मर का है लंबा फैमिली वाले हाँ हाँ तब मैं 50 किलो चल रख लूँ भाई ऐसे एक काउंटर रख लेबे तो रहा ना भैया राशन कार्ड ला ले थोता अरे राशन कार्ड लेगे ऐसे मैं नहीं विष्णु देव साय साय से मिल के आगे हाँ ऐसे देख पहुंच देख वहाँ बड़े बड़े मंत्री से मिल के आगे जेल अपन काम बनाए पर हुई भैया हो धल कोतवाल चल दो मंत्री कर तुम्हारे काम ने तुरंत करा दे तक पहुंच जाए वहाँ मंत्री के नाम ले लेवा विष्णु साय साय से मिल के आगे अच्छा काम कर ऐसे एक काउंटर रख ना चल तो एक काउंटर रख लो ले चलता ले चल ले सरपंच हाँ हमारे सोसाइटी कंपनी सरकार ना एक क्विंटल के एक के ठन कोहड़ा भेजे एक के ठन कोहड़ा ओला तौले तुला नहीं लगे ऐसे ओ बोरम एकदम फिक्स है एकदम फिक्स पूरा कंप्लीट कंप्लीट एकदम स्पेशल एक कोहड़ा ले कोमड़ा ते आदमी है रे अब देख ले आदमी कोहड़ा चला देखा देखा सरपंच साहब यहाँ सोसाइटी में कोमड़ा है कि हाँ का पैर का बुला ले और गांव के लड़का मेरे खड़े सरपंच साहब एक कोतवाल हमें नहीं बलवा है वो लड़का बलवा है बात कुछ न कुछ है तो हमारे पंचायत के सियान सरपंच वो लड़का हमें लग काबर बलवा है वो लेकिन जाके पूछ तो बोले
पटेल भैया हाँ ए बस्ती वाले मन भला मोह सरपंच बना है पटेल भैया होगा, लेकिन बचपन के हम तू ही मतलब सियान माना था थका मानते जाते भाई। तब मैं कहा पटेल भैया का बात है तेरे लेकर बुला के एक भाका तू ही मन पूछ ले भाई। हाँ मैं पूछ देबो गांव के लेकर तो आ है ए रेखा काय बाबा इतिया बेटा हाँ तय हमारा काबर बर्बाद बेटी तय साफ साफ बतावे ये मैं लजाज शर्मा वाले बात नहीं है ते हमारा काबर बर्बाद साफ साफ बता मेरे बाबा रायपुर जात रहे हो हाँ तो रास्ता में सरपंच के भाई भूपेन मिलते हाँ और कहते कहाँ जा रेखा इसके थे हाँ मैं त्रिपुर जाए भूपेन से के हूँ हाँ साथ में कोई नहीं कह रेखा इसके थे हाँ कोई नहीं भूपेन से के हूँ तो हूँ अकेली हस महू अकेला हूँ हाँ जन्म वो साथ रायपुर के थे अच्छा। मैं कहता हूँ आजकल के जमाना खराब खराब है मैं तो साथ रायपुर जाए उसे के हूँ हाँ भूपेन के थे सोच ले रेखा अगर ते मोह साथ रायपुर जाए ना तो आज जिंदा पास में चास ऐसी रारवर देखाई तान चल दे देखा जा दे 5000 के पिस्तौल अदा गई ताल बिचारी डर के मारे चल दे का हाथ है रायपुर में लगी आठ में तक राखीस और मार के निकाल दी बात अच्छी से बेटी रायपुर में तो लगी आठ महीने तक रखी मार के निकाल दी तो बात में समझ गए बेटी पैंस जा घर बाकी बात में बना लू ए सरपंच साहेब का हो गए पटेल भैया वो लड़का को ठीक तो सुने से नहीं का सुना तो जी तोरे भाई के नाम ले रे भाई रायपुर में लेगी साठ मिनट तक रखी और बाद मार के निकाल दी कहा से वो लिखा अब लड़का शरीर कौन स्थिति में हावे और तो देखी जगह से बता वाली बात तो है नहीं है अब ओकर फैसला तही कर रहे भाई क्या बकते हो पटेल क्या बकते हो पटेल अरे इसने बात बस्ती में ककरो घर आ जाए तही सरपंच चटर चटर मारे जब अपन बड़े तब क्या बकते हो पटेल सरपंच साहब वो लेकर कहा तो सही बात है पटेल भैया आज 10 साल हो गए भूपेंद्र रायपुर शहर में पढ़त पटेल भैया आज तक वो लड़का मैं खुद शिकायत नहीं सुने हूँ ये लड़की बोला ना ओकर बाद में मैं बिल्कुल यकीन नहीं करो ये लड़की पूरा झूठ बोला पटेल भैया सरपंच साहब हाँ गरीबी है के लड़का वो झूठ से बोले नहीं बात सही बात है लेकिन जब तक तो भाई बराग नहीं लावे जब तक बोला नहीं पूछबो तब तक हम नहीं मानेंगे तो भाई अभी पर भाई लगे ऐसे बात है हाँ तो पूछ ले उन बलवाक पे ठीक है ए भोलेदास ओए उठ तेरे मैं थोवा था का हो थसरे मैं खड़ा हो कहां न तेरे मैं खड़ा होवा था मैं तो होवा था 14 घंटा हो गए मैं तो हो गया हो गए हां ए सरपंच के भाई भूपेन बोला हिप पकड़ के ला तू जल्दी जल्दी पकड़ के ला ए भूपेन जी ए भूपेन जी बोले नहीं ढील लगा के बाबू ढील लगा के पैन खराब हो जाए लगा के हाँ कोटवार है का हो गए तो भाई सरपंच अब पटेल बुलावा थे का चीज बार अरे कुछ नहीं जानो ना ऐसे हाँ ठीक है मैं थोड़ा चाय पी के आता हूँ यार चाय पी के का बार चाय पिए नहीं हो ना तो थोड़ा चाय पी के आता हूँ ना थोड़ा जल्दी अभी आए ऐसे एकदम मैं फटाक से आता हूँ ना एकदम फटाक से ना मैं चा आप कैसे चप चप करा था तुम्हें मैं चा हैं आप कैसे मैं चप चप करा था हाँ आप कैसे जीप लट जाते आप कैसे जीप लट जाते हाँ अर्था मर्था तो कहा थे हाँ नहीं जानी कहा तो बे क्या जान थे हाँ नहीं जानी कहा तो अरे मोर क्या जान थे हाँ यहाँ तक ओ बाय कहा है बोले दास चाय पी कहा तो किसे चाय पी कहा दोगे थे ओकर चाय पी ले हमें बैठे रहा तोला में कहा तो संग में पकड़ के ला भी कहना बोला जल्दी पकड़ के ला हाँ अरे चन्ना जी अरे यार अभी पिए नहीं होना जी एकदम जल्दी ना ऐसे अब कैसे माल लूं तुम करा था नहीं जानी कहा था क्या जान थे हाँ नहीं जानी कहा था अरे मोर क्या जान थे हाँ अरे हम सब तुम्हारा बात हम सब जाना बारू रउआ के साथ रायपुर घूमने पटेल भैया खुश रहो बाबू पटेल भैया का बात है पटेल भैया
का चीज के बोलवा होगा भूपेन। हाँ पटेल भैया। तो मैं बोलवा भूपेन। का बात है पटेल भैया? ये नोनी पहचान था बाबू? इला तो नहीं पहचानो पटेल भैया। ये नहीं पहचाना? नहीं पटेल भैया। हाँ। सर क्या नहीं पहचानो का? और बता देना रे, अरे रेपुर वाले सपना था सपना बना दो अपना, बता दे चोर होगा सर क्या है? हाँ। और नहीं जानो का था आज भाई ए रेखा थोड़ा नहीं पहचानो कभी बेटी? अभी क्या पहचान हो, जब सामने तब पहचानी भूपेन। हाँ पटेल भैया। गांव के गरीब घर के लड़का है बाबू, और तहु गांव के लड़का है। अरे गलती सब सोच ले बाबू, तय साफ सब बता दे। ए गांव के नियावला हम गांव में छोड़बोगा, गांव के नियावला हम आन गांव लेगा नहीं, आन गांव हम नान गांव नहीं लेगा। हम फैसला यही कर बाबू, तो साफ सब बता दे पटेल भैया। ये लड़की कहने का मतलब मैं समझ गया पटेल भैया, ये लड़की कहने का मतलब ये है पटेल भैया, अगर कोई गरीब घर जाओ ते दर दर के ठोकर खाओ, और ये दाऊ घर जाओ ते सुख से जिंदगी बिताओ। ये लड़की कहने पटेल भैया। अच्छा माने परसों बस्ती में तिया से बाबू एक झन लखपति बोला तो समझ आ गया पटेल भैया। बाहर लखपति ये पटेल बोला ते नहीं जाना, बोला मैं जानता आ जानता ये हमारे बस्ती में, ये हमर बस्ती में ये लखपति है, एकर भाई सरपंच बैठे है ते गणपति है। हाँ वो कर भाई है सरस्वती है। चल वो देवी पूजा कर, चल वो पुजारी बने जाके मंदिर बैठे पूजा कर, आगे लगत है बस्ती में कोतवाल मरते मस्ती में। ए पटेल ये वाले, अरे वो सबसे ही रखे। हाँ, आप तेरा पता चलेगा। ये लेना था। सुना था भूपेन? हाँ भैया। ये कोतवाल और पटेल मिल के मन हम दोनों भाई फंसाना चाहते हैं। देख भैया, अगर हमारे दोनों भाई में सुनता रहे तो ये गाँव वाले क्या करे, अरे पटेल का करी चाहता था ना, एक कोतवाल लेके जब भवाक तरिया फेंक देबो, फेंक देबो। देख भैया वैसे भी हमारे जगह पैसा कमी है। अरे कोई कमी नहीं है, आप पैसा क्या, हमारे जगह बहुत पैसा, इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा, अगर चाहता पैसा पैसा में तो ये पटेल और कोतवाल पूरा भूंज देबो, भूंज देबो। भैया एक काम कर। हाँ? ते घर डन बैठ, अभी कर सन तो मैं कैसे निपटा था। ये पटेल ये वाले, अरे सबसे रख रहा, आप तेरा पता चलेगा, ये लेना था ऐसे। हाँ चल ठीक है यार, तोर राहत ले, मोलक टेंशन भी का है, ते चुपचाप घर डन बैठ भैया। ये पटेल को दौलत में संभालू कावर, मैं पटेल लग में इतने जानता हूँ, इतने चुटकी मुड़ा दू कावर, होकर सब नस नस्ल में जाना था ना, पूरा पोल पट्टी खोल दू। ठीक है तो टेंशन नहीं ले, मैं निकलत हूँ। देख चुपचाप घर डर बैठ। ओके 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 भूपेन। हाँ पटेल भैया। मैं तो सब बात सुना था भूपेन, कते पैसा हमारा फूकू आ तो फूक लेवे, लेकिन सच्चाई सच्चाई दे बाबू, ते साफ सब बता दे पटेल भैया। आज 10 साल हो गए रायपुर शहर में रहा पटेल भैया, एक गांव के कोई नहीं पहचानो तो लड़की ने कहा था पहचानो। अरे सच्चाई छुप नहीं सकती, और बनावट की वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूल। ऐसा बात है पटेल भैया, तो मेरा बात काल को के चले पटेल भैया, रघु कुलरी दर्शन आ चली है, और प्राण जाए पर हवा चला ना जाए। क्यों रे यार नाच लगाया, अच्छी बात है, हमारे थाना में सूचना क्यों नहीं मिला है अभी? थाना में सूचना गांव वाले दिए होंगे सर, तो हमारे पास अभी तक सूचना क्यों नहीं मिला है? हम तो गांव वाले को बता दिए थे सर कि थाना से परमिशन लेने ना करके,
और यहाँ का कुनवार कहाँ है रे? सर जी ये तो खुद पंचायत के चपरासी था सर, उसका प्रमोशन हो गया सर। अभी अभी हुआ है ना इसका? अच्छा अच्छा, नया ज्वाइनिंग हुआ है। ठीक है सर, ठीक है सर, आप जाओ। डंडा को देनो सर, मास्क निकालो सर। क्यों रे, यहाँ का कुटवार कहाँ है रे? वो कुटवार तो आपको देखकर डर के भग गया सर। यहाँ का कुटवार पुलिस वालों को देखकर भागता है जी, तो क्या कोतवाली करेगा रे? अब पता नहीं सर। किधर है वे? क्यों रे कुटवार? ओए तू उधर क्या कर रहा है बे? मैं तो हाथ साफते हूँ। तू यहाँ का कौन है रे? मैं तो कोतवाला। तू यहाँ का कुटवार है? हाँ। तू उधर क्या करता है बे? मैं तो सेटिंग कर रहा हूँ। क्या सेटिंग करता है? बक्सा को। बक्सा सेटिंग करेगा? इधर आओ, मैं तुम्हारा सेटिंग करूंगा। इधर आओ। क्यों रे कोटवार? नमस्कार, नमस्कार। तुम्हारे सामने इतना बड़ा ऑफिसर आकर खड़ा है तो कोई इंतजाम है रे? इंतजाम? इंतजाम तो घर में साहब। घर में क्या बे? हमारे घर में कुकरी। साला मैं कुकरी खाना दिखता हूँ रे? तो बैठने के लिए चेयर समझते हो? आए? बैठने के लिए कुर्सी। ताजी चेयर? बैठने के लिए कुर्सी रे। कुर्सी वो इंतजाम तो है साहब। लाने दो फिर। हाँ जल्दी लाओ। एक कोतवाल, ते कब से लेडीज सैंडल पहले धल्ले से यार? हाँ कोतवाल के वर्दी में जूता पहनते ते वहां लेडीज सैंडल पहन के घूमत हंसते हैं। देखो दाई हो एक आकर जगह के रिश्ना जी, हाँ जाते हैं वहाँ एक जोड़ी है सैंडल वेंडल चुराग लेते हैं। हमार कोतवाली पर लेक था। हाँ कोतवाली पर लेक लेक के सकेला थे। मोर हुई मेर चप्पल भुला के कब हाँची? मैं भाजी चप्पल हूँ रोज पड़े भाजी का खुंडा रहे तो आधे। क्यों रे जी? जल्दी लाओ कुर्सी, बैठे साहब। क्यों रे भोलादास? नमस्कार साहब। अबे कितने बार नमस्कार करेगा? कुर्सी बैठे तक से थी। क्यों रे भोलादास जी, तुम्हारे गांव तरफ सब ठीक ठाक है ना? हमारे गांव में सब ठीक ठीक है, सब ठीक ठीक है साहब। अरे ठीक ठीक है मेरे को समझ में आ रहा है, फिर वही फेर का मतलब क्या है रे? सब ठीक ठीक है। वही फेर का मतलब क्या है? फेर प्यार। क्या प्यार रे? बहुत प्यार। इनसे हुआ? उनसे हुआ। वहाँ पर हुआ? वहाँ पर हुआ। अबे सब मिलाकर क्या हुआ? सरपंच के भाई भूपेन। पहले डायरी ले आओ रे। आप मन लीला हो? अरे भूल गए हो ना जी ऑफिस में। भुलाए नहीं हो बे, कंजू सस ले नहीं हो। देखो जल्दी ला। लीजिए साहब डायरी, सरपंच के भाई भूपेन। अबे पहले डायरी तो खोलने दो। नहीं खोला? नहीं दिख रहा है तेरे को? ले खोल लो। ले बने फरियाल जम गए, ले बने जमाडर हो। सरपंच के भाई भूपेन, पार्वती के टूरी रेखा। ये क्या टूरी है बे? अरे लड़की लड़की ऐसा बोलो ना। हाँ पार्वती के लड़की रेखा, बहुत प्यार। क्यों रे, वो कहाँ पर हुआ रे? रायपुर में हुआ। क्या वो वही का रहने वाले क्या? नहीं साहब, वो तो यही करे साहब, लड़का रायपुर में पढ़ते है साहब, और लड़की यहीं से घूमने के लिए गए थे साहब। और उस लड़की को लड़का अपने घर में 8 महीने तक रखे साहब, और वो लड़की 8 महीने का अमानत रखे साहब। क्या गहना गुठा गिर भी रखेगा? अबे लड़की प्रे...